मंच पर उपस्थित हमारे सत्येंद्रनाथ जी भाई साहब, इंजीनियर साहब, मेरे सुहृद द्विवेदी जी भाई साहब और पटना की सब युवा शक्तियों, आज आप लोगों के साथ में आकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा मैं भी आपकी उम्र का हो गया हूँ। ये जो उत्साह के साथ आप लोग गायत्री परिवार का काम कर रहे हैं, गायत्री परिवार का नहीं, गुरुदेव का काम कर रहे हैं, लाजवाब है। मैं तो आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट सुनता रहा था कि बिहार में पटना के अंदर युवा संगठन बड़ा मजबूत है और इतवार की इनकी बहुत बड़ी सभा होती है और सब लोग इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। मैंने आपके स्कूल्स के बारे में भी सुना था, फुटपाथ स्कूल्स के नाम से हमने उसके बारे में बाबत जानकारी ली थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कब आप लोगों के साथ में आऊँ, और आज ऐसा अच्छा समय आया, ऐसा सुदिन आया कि गुरुदेव ने मुझे कहा कि आज तुम वहाँ जा रहे हो तो बच्चों के साथ मुलाकात ज़रूर करना है। मित्रों, आप गुरुदेव का काम करते हैं और मेरे से आप अपेक्षा करते हैं। बेटा मतलब थोड़ा पानी दे। आप लोग जो काम करते हैं, मैं बहुत अभिभूत हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुरुदेव के हाथ बटा रहे हैं। मैं बहुत छोटी सी बात आपसे करूँगा। आप विचार क्रांति की बात करते हैं, विचार क्रांति की बात करते हैं ना, तो विचार क्रांति क्या होता है? हर क्रांति जो है विचारों से जन्म लेती है। सबसे बड़ी क्रांति कहाँ हुई थी जो इतिहास में मानी जाती है? रशिया के अंदर क्रांति हुई थी। वहाँ पर जो राजा था बड़ा जुल्मी था, वहाँ के लोगों ने उसका शासन पलट के रख दिया। वहाँ पे कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की व्याख्या बनाई, एक सिद्धांत रख दिया लोगों को कि लोगों मेरे साथ आओ, तुमको तुम्हारी केवल गरीबी खोना है और तुमको कुछ नहीं, सब मिलेगा। लोग उनके साथ हुए और उस राजा का जो राज्य था उसको उलट के उन्होंने कम्युनिज्म की स्थापना कर दी। कई जगह क्रांतियाँ हुई है और क्रांति निकलती है मनुष्य के दिमाग से। पहले क्रांति विचारों से ही निकलती है। कोई भी क्रांति आप लेंगे, भगवान बुद्ध ने क्रांति करी थी जब हिंदू धर्म के अंदर हिंसा आ गई थी, हिंसा का अतिरेक हो गया था, यज्ञों में हिंसा होने लग गई थी, तो बुद्ध देव ने कहा था मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जो अपने ही बच्चों का खून पीने की इच्छा रखता है, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता, मैं नया भगवान बनाऊंगा। और उन्होंने नया भगवान, नए सिद्धांत प्रतिपादित किए और इतने ज़बरदस्त रहे वो कि बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला हुआ। भारत में, भारत के बाहर भी एक धार्मिक क्रांति हुई, एक धार्मिक क्रांति हुई। पहली तो क्रांति राजनीतिक थी, ये धार्मिक क्रांति हुई। ये क्रांतियाँ होते रहती है। क्रांति का अर्थ है कि जो व्यवस्था है उसको हम उलट के नई व्यवस्था बना दें। इस क्रांति के अंदर जब क्रांति विचारों से पैदा होती है तो विचार क्रांति का क्या अर्थ हुआ? जब क्रांति का जन्म ही विचारों में से होता है तो विचार क्रांति क्या हुआ? विचार क्रांति का अर्थ बड़ा विलक्षण है। विचार क्रांति मतलब आपके मन के अंदर कौन से विचार आते हैं, आप टटोलिए अपने आप को। युवा मन जो होता है, युवा जोश जो होता है, आपका मन कभी खाली नहीं रहता, आपके मन में कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। कौन से विचार होते हैं ये केवल आप ही जानते हैं, आपके बगल में बैठा हुआ बालक भी नहीं जानता कि आप मन के अंदर क्या सोच रहे हैं, ये केवल आप जानते हैं। आपके विचार अच्छे हैं कि बुरे हैं ये कौन बताएगा? आप ही बताएंगे, दूसरों को पता नहीं है आप क्या सोचते हैं। तो ये जो क्रांति करनी है हमको करनी है, अपने मन के अंदर के विचारों के अंदर बदलाव लाना है। इसलिए इस क्रांति के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। क्रांति कैसे होगी? विचार क्रांति के तीन पहलू है। एक है नैतिक क्रांति। नैतिक क्रांति आप एक एक व्यक्ति कर सकता है, व्यक्तिशः होता है, पर्सनल लेवल पे जो क्रांति होती है आपको नैतिक बनना है। आपके विचार जो है नीतिमत्ता पूर्ण होने चाहिए, कोई भी गंदे विचार हमारे मन में प्रवेश न कर पाए। और ये कौन देखेगा? ये आप ही देखेंगे। जिसका मन है, जो क्रांति करना चाहता है, वो स्वयं ही इसको देखेगा। बाहर का व्यक्ति केवल बता पाएगा कि आप अच्छे विचार करो, शुभ विचार करो, पर आपके मन के अंदर कैसे विचार चल रहे हैं ये आप ही जानते हैं। इसके अंदर परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा?
हमको अपना नैतिक बल मजबूत करना होगा। हमारी नीतिमत्ता कैसी है, हम कितने अपने नीति पर खड़े हैं, अड़ी हैं, हम कितने अच्छे विचारों के साथ अपनी जीवन यापन करते हैं, ये नैतिक क्रांति करना विचार क्रांति का पहला कदम है हर व्यक्ति के लिए। आप अगर व्यक्ति है, एक एक परिजन है, तो आपको पहली शुरुआत करनी है अपने मन की सफाई। आपके मन के अंदर अच्छे विचार आए, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे तो क्या होगा, आपके आचार अच्छे हो जाएंगे। विचार के बाद आता है आचार, हम जो काम करते हैं वो अच्छे काम होंगे। विचार का अर्थ क्या होता है, जो आपके मन के अंदर विचार आते हैं, सिद्धांत आते हैं, थोड़े मैं बता दूं। विचार यानी गायत्री और आचार यानी यज्ञ। हमारी जो गायत्री और यज्ञ का युगल है, ये अच्छी सोच और अच्छा काम ये होता है। तो पहला कदम है आपका अच्छे विचार लाने का, और इसके लिए बाहर की व्यक्ति कोई आपको मदद ज़्यादा नहीं करेगी, आपको अपनी मदद करनी है। आपको तय करना है, क्या मैं कल था उससे आज बेहतर हुआ, क्या मेरे मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं, क्या मैंने बुरे विचारों का त्याग कर दिया, क्या मैंने अपने आप को सुधार लिया है, क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने एकदम आगे बढ़ाया है। ये आपको तय करना है, ये आपको हर व्यक्ति को करना है व्यक्तिगत स्तर पे। दूसरा है सामूहिक स्तर। अब यहाँ पे जैसे 800 बच्चे हैं, तो उसके सब के सब 800 बच्चे एकत्रित नहीं रहते। आपके लंगोटी या यार जो होते हैं, जिसके सामने आप अपने मन की बात खुली बोल सकते हो, ऐसे दोस्त होते हैं ना आपके, जिसके साथ आप हर चीज़ शेयर करते हो, चाहे खाना है तो, घूमने जाना है तो, पढ़ाई करनी है तो, कुछ विचार करने हैं तो, वो ग्रुप रहता है। ग्रुप यानी आपके संपर्क में आने वाला एक छोटा ग्रुप, जिसको हम परिवार कहते हैं। परिवार का अर्थ ये नहीं होता कि आपके माता पिता, पत्नी, बच्चे, ये तो परिवार है, सब जानते हैं। लेकिन आपका परिवार होता है आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति, उस जिसके साथ आपका उठना बैठना है, आपके विचार मिलते जुलते हैं, आप उनके साथ उठते बैठते हो, उनके साथ आप योजना बनाते हो, उनके साथ आप काम करने के लिए कदम बढ़ाते हो, ये आपका परिवार है। तो ऐसे परिवार को बौद्धिक क्रांति करनी है। बौद्धिक क्रांति, आपकी जो योजनाएं बनती है उसके अंदर विचार होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार चीज़ें हैं। बौद्धिक क्रांति के लिए आपका ग्रुप, आपका परिवार, आपका एक सशक्त ग्रुप बनना चाहिए। और तीसरी क्रांति है नैतिक क्रांति। नहीं, नैतिक क्रांति बोल लिया, बौद्धिक क्रांति और पूरे मतलब ये जो समाज जो इतना बैठता है, सामाजिक क्रांति। आप पूरा एक विचार लेकर उसके अंदर पूरा परिवार, 800 लोग जब इसके पे काम करते हो, जैसे आप स्टेशन के सफाई का काम करते हो, बच्चों के पढ़ाई का काम करते हो, ये बड़ी विलक्षण बात है, और ये बड़ा ग्रुप करता है काम। तो ये तीन स्तर पे आपको क्रांति करनी है, नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति। ये तीन क्रांतियाँ जब होती है, तब आपकी विचार क्रांति होती है। विचारों के अंदर अचानक से परिवर्तन नहीं होता। आप सोचेंगे कि मेरे विचार एकदम अच्छे हो जाए, झगड़ना पड़ता है अपने आप से, लड़ना पड़ता है अपने आप से, बुरे विचारों को काटना पड़ता है अच्छे विचारों से। कई बार अपन पूछते हैं ना, डॉक्टर साहब भी कहते हैं, अगर मन के अंदर बुरे विचार आते हैं तो अच्छे विचारों से उसकी काट करो, उसको काटो। ये झगड़ा है सत और असत का, कौरव और पांडवों का, ये झगड़ा सतत चलते रहता है। अंदर का महाभारत, अंतरंग का महाभारत जो है, आपके मन के अंदर द्वंद्व चलता है, ये करो ये नहीं करो, ये अच्छा है ये बुरा है, ये आपको पता है। वो जो कृष्ण भगवान है ना, पार्थ सारथी, वो आपके अंदर बैठा हुआ है, आपको वो निर्देश भी देता है। उसके निर्देश पे आप चलेंगे तो विचार क्रांति कर लोगे। तो विचार क्रांति करने के लिए प्रत्यक्ष, एक्चुअल एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर विचार क्रांति। आपका प्रत्यक्ष काम दिखना चाहिए। क्रांति के अंदर आपके विचारों में परिवर्तन हो रहा है, ये कौन बताएगा? आप ही बताएंगे। जिस दिन आपको लगेगा कि मेरे मन के अंदर के विचार शुद्ध हो रहे हैं, मेरे आचार शुद्ध हो रहे हैं, जब ये आपके मन से निकलेगा कि मैं एक कदम आगे बढ़ा हूँ, इसको हम कहते हैं आत्मसमीक्षा। और ये आत्मसमीक्षा करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एनालिसिस। हम अपना ही एनालिसिस करें कि मैं किस स्तर पर खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ।
आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास, ये कई उसके कदम हैं। लेकिन मैं केवल आपके यहाँ पे ये जो हमारी विचार क्रांति है इसके बारे में आपको केवल स्पर्श कर रहा हूँ। विचार करना हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। आपको सोचना चाहिए, सोचने से ही आपका विकास होता है। ये जो धरती है, ये चंद्रमा जिस तरह से है उबड़ खाबड़ दिखता है, या मंगल के फोटो जैसे हमको दिखते उबड़ खाबड़ थे, ये धरती भी उतनी ही उबड़ खाबड़ थी। इसको इतना हरा भरा, इतना सुंदर कैसे कर दिया? लोगों ने किया ना, हम लोगों ने किया, हम मतलब मनुष्य ने किया। कैसे किया? उसने सोचा, मन के अंदर विचार आया कि मुझे ये काम करना है, और उन्होंने वो काम किया। आपके मन में विचार आ रहा है कि रेलवे स्टेशन स्वच्छ होना चाहिए, आप काम कर रहे हैं। आपके मन में विचार आया कि मेरे गरीब भाई, गरीब मेरे छोटे छोटे भाई, इनको पढ़ाना चाहिए, वो आप काम कर रहे हैं। ये आपका बहुत सकारात्मक आपका कदम आपने उठाया है, और ये विचार क्रांति के लिए बड़ा पोषक है। आपको इस तरह से काम करते रहेंगे, आपका मन साफ होते रहेगा। जब आप अच्छा काम करते हैं, आपका मन साफ होता है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो अपनी आत्मा को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। उदाहरण देता हूँ आपको, आप धूप में बहुत काम कर रहे हो, बहुत धूप में तप गए हो, भूख लगी है बड़े ज़ोरों से, और आपको एक थाली में खाना मिल गया। आप खाना खाने बैठे, जैसे ही आपने कौर उठाया खाने के लिए, पूरा बदन तपा हुआ है, भूख लगी है बेताशा, कुछ नहीं है। आपने पहला कौर उठाया और आपने देखा कि आपके बगल में एक गरीब आदमी बैठा है, वो भी भूखा है। और जब आप अपनी थाली उसके सामने खसका देते हो और आप भूखे रह जाते हो, तो आपको दुख नहीं होता। आपके मन के अंदर संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, कुछ अच्छा काम करने का एक समाधान मिलता है। ये जो सुख है, ये शरीर को नहीं मिलता, आत्मा को मिलता है। ये जो सुख मिलता है, आत्मा को मिलता है। और आत्मा हर बार अच्छे काम के लिए तड़पती रहती है। मनुष्य काम तो करता है, लेकिन आत्मा भूखी रहती है कि ये अच्छा काम करे तो मेरी तृप्ति हो। शरीर की तृप्ति हम देखते हैं, बाकी सब लोगों की तृप्ति देखते हैं, आत्मा की तृप्ति कहाँ देखते हैं? जिस दिन आत्मा तृप्त हो जाएगा मित्रों, आपकी विचार क्रांति हो जाएगी। और इसीलिए आपके ये जो प्रयास है, ये प्रयास आप करेंगे, आप लोगों को बहुत बधाई। आपने बहुत सही रास्ते पे सही कदम रखा है, सही समय पे रखा है, सही संगठन के साथ रखा हुआ है, एक मत से रखा हुआ है। और ये जो आपकी ये यूनिटी है ना, आप जो एकत्रित आए हुए, ये बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा बल है। आपको अंदाज नहीं है, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि इतना बड़ा बल अगर लग जाए और लोगों के लिए अपना उदाहरण प्रस्तुत करें कि साहब मेरे विचार स्वच्छ है, मेरी निगाहें स्वच्छ है, मेरे कान अच्छी बातें ही सुनते हैं, मेरा मुंह अच्छा का बात अच्छी बात ही करता है, मेरी आंखें अच्छा ही देखती है, बुरा नहीं देखती, तो मित्रों ये तो गायत्री है। गायत्री आपके अंदर उतर जाएगी। ये गायत्री का जप करने से कितनी गायत्री उतरेगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह से सोचेंगे, इस तरह से काम करेंगे तो गायत्री का फल आपको तत्काल मिल जाएगा। आप ये दिखाइए, बताइए कि हनुमान जी कितनी देर माला लेके बैठते थे? माला लेके बैठे हुए हनुमान जी बहुत एक हाथ दो चित्र दिखते हैं, लेकिन हनुमान जी ने तो राम का काम किया, राम के काम के बारे में सोचा, जिन लोगों को मदद की जरूरत थी उनकी मदद की, और राम के भक्त हो गए। मन के अंदर राम का चिंतन, हाथ से काम, राम का काम, कान से राम का ही श्रवण, मुख से राम का ही राम नाम, ये सब जब आप करेंगे तो मित्रों फिर और क्या चाहिए आपको? आप तो प्रत्यक्ष हनुमान हो गए। और इतने अगर हनुमान एकत्रित हो जाए, गुरुदेव कहते हैं प्रत्येक परिजन से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो। आप अपनों से अपनी बात अपने अंगवयव से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अपने अंग अवयव से पत्रक पढ़ते हैं आप लोग? कितने लोग पढ़ते हैं? इसके अंदर ये वाक्य है, हमारी प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान के स्तर से कम ना हो। और आप अगर इतने हनुमान बन जाएंगे मित्रों, तो क्या मजा आ जाएगा, आपका युग निर्माण तो पटना से चालू हो जाएगा।
वो क्षमता, वो हिम्मत, वो एक मजबूती आपके अंदर है और इसीलिए आप एकत्रित होकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने कॉलेज के गैदरिंग की क्लास ले रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को मिलकर, मुझे खुशी, मुझे मिलकर आपको कितनी खुशी हुई है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको मिलकर मुझे जितने लोग बैठे ना उतने गुना खुशी हो रही है। आप लोग ऐसा ही प्रयास करते रहे, गुरुदेव के विचारों से जुड़ते रहे, अपने विचारों के अंदर परिवर्तन करते रहे। गुण कर्म स्वभाव चिंतन चरित्र व्यवहार, ये 6 कदम आपको चलने हैं। याद रखना आपके गुण कैसे हैं, आपके कर्म कैसे हैं, गुण कर्म और आपका स्वभाव कैसा है। स्वभाव यानी स्व यानी मैं, और भाव मेरा मेरी वृत्तियाँ कैसी है। गुण कर्म स्वभाव और चिंतन चरित्र और व्यवहार, ये 3 चीज़ें, ये 6 कदम आप चलेंगे ना तो 7वां कदम आप देखोगे आप स्वर्ग की ओर बढ़ जाएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप इस तरह से करेंगे आप बहुत जल्दी, और पटना का नाम ऐसे भी युवा शक्ति के बारे में बड़ा नोन है, वेल नोन है। हम अपने क्षेत्र में जब बताते हैं, जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ, मैं हूँ नागपुर से, मैं नागपुर में जाके पटना का उदाहरण निश्चित ही देता हूँ, हर बार देता हूँ। और अब तो मैं बताऊंगा, नागपुर में जाऊंगा तब, कि मैंने इन लोगों को प्रत्यक्ष देखा, इनका प्रत्यक्ष दर्शन किया, इनकी शक्ति को देखा है, और मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में भी इस तरह से युवा टीम खड़ी हो जाए। मित्रों आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है आपके स्तुति करने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपको अपनी सोच बदलनी है, आपको अपने विचार बदलने हैं, आपको अपने आचार बदलने हैं, और आपको अपनी समीक्षा करनी है। मित्रों ये कर लो, फिर आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, फिर आपके लिए कोई सीमा नहीं है, आप सीमा के उस पार चले जाओगे और गुरुदेव का पूरा श्रेय आपको मिलेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।